नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। लगातार बिहार में जालसाज रुकने का नाम नहीं ले रहा और ताजा मामला है दानापुर का, जहां जालसाजी कर जमीन तो हथिया ही लिया और पैसे के लिए भटकाया जा रहा है। अभी हमारे साथ पीड़ित परिवार भी हैं, इनसे भी जानेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिहार में लगातार जमीनी कब्जा आखिर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। 3,70,00,000 का जमीन है और टाल मटोल करके बोला जाता है कि पैसे आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी, क्योंकि कोर्ट में मामला दर्ज है, सर्वोपरि न्यायालय है, जो फैसला होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाने में भी मामला दर्ज कराया गया है, उसके बाद रेरा में भी कैंसिलेशन का मामला दर्ज कराया गया है, नगर परिषद में भी मामले को संज्ञान में लिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कैंसिलेशन अभी हुआ नहीं, रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़ा कर कैसे ये ग्रुप ले लिया, ये देखने वाली बात है। नाम भी हम खोल देते हैं आपके सामने। नाम है मित्रा ग्रुप, यानी आस्तिक ग्रुप का, ये आस्तिक ग्रुप मदर ब्रांच है और ये है मैत्री वास्तु निर्माण का ये मामला है, जहाँ पर आपको बताते हैं कि कौसर खान, जो कि इसके CMD है और उनकी वाइफ डायरेक्टर कहिए या यूं कहिए कि पार्टनर उस कंपनी में है। लेकिन जालसाज यहाँ तक नहीं रुके हैं, आपको बता दें कि धमकी भी दिया गया कि जो करना है कर लो, यानी पटना पुलिस को सीधे चैलेंज है। पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं, पूरा मामला इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। क्या हुआ? मेरे साथ जो हुआ है कि हम अपना जमीन जो है बिल्डर के साथ रजिस्ट्री किए थे, और वो बिल्डर का नाम है कौसर खान है, जो कि CMD है आस्तिक और मैत्री ग्रुप के, वो CMD हैं। तो उनके पास से हम लोग से ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था, उसके बाद जो भी तय तमन्ना जो भी हुआ था वो सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर पैसे की लेन देन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी कि उन्होंने बताया कि आपको पैसा जो भी है बचा हुआ वो आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर पैसे देने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो हम लोगों ने रेरा में भी कंप्लेन फाइल किया हुआ है। जो हमारे ज़मीन को जो बिल्डर के साथ दिया गया था, उसे बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए हम लोगों ने ज़मीन बिल्डर को दिया था, तो बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए हम लोगों ने बिल्डर को दिया था, उसमें जो भी पैसे का जो तय तमन्ना था वो सब कुछ स्टार्टिंग में ठीक था। उसके बाद फिर पैसे की कुछ लेन देन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो उसके लिए हम लोगों ने रेरा में भी गया था। प्रॉपर्टी टोटल कितने की? प्रॉपर्टी करीब 3,70,00,000 की थी। अभी तक हम लोग को 22-35 लाख समथिंग तक हम लोग को मिल चुका है, लगभग उसी के अराउंड में हम लोग को मिल चुका है। उसके बाद हम लोगों ने नगर परिषद में भी नोटिस दिया था, रेरा में भी हम लोगों ने फाइल किया हुआ है, फिर सेक्शन 9 में भी हम लोगों ने सिविल कोर्ट में भी दिया हुआ है, और फिर हम लोगों ने आपका आर्बिट्रेशन के लिए भी फाइल किया हुआ है, हम लोगों ने कैंसिलेशन के लिए भी हम लोगों ने फाइल किया हुआ है। उसके बावजूद भी हम लोग का रेरा से जो ये केस नंबर भी आ गया है, इनको मतलब केस नंबर भी जो आ गया था, ये देखिए, ये हमारे पास केस नंबर का भी डिटेल्स है। ये देखिए, जो हम लोगों ने केस में जो फाइल किया था, ये है उसका केस नंबर है, ठीक है, ये केस नंबर हुआ, ठीक है। इसमें रेरा के थ्रू हम लोग को केस नंबर भी मिला गया था, तो इसको देखने के लिए नोटिस गया है। बावजूद भी ये लोग उस पे, उस ज़मीन पे काम कर रहे हैं, भूमि पूजन करने वाले हैं। 10/6/2022 को इन लोगों ने भूमि पूजन करने के लिए और भूमि पूजन करने वाले हैं और उस पर फ्लैट बुकिंग के लिए आश्वासन भी दिए हैं कि फ्लैट बुकिंग कर सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन कैसे मिला सर? उसको रजिस्ट्रेशन कैसे मिला सर? वो तो सर रेरा रजिस्ट्रेशन तो वो सर फर्जी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाकर के सबमिट किए हैं, कैसे दिए सर वो हम लोग को भी नहीं पता है, क्योंकि सर उसमें लैंड ओनर का एफिडेविट कुछ होता है सर, जहाँ तक हमें पता है कि एफिडेविट पे लैंड ओनर का साइन होना चाहिए सर, लेकिन उस पर सर एफिडेविट पे सर जहाँ तक मुझे पता है कि लैंड ओनर से कोई साइन नहीं करवाया गया, और उसके थ्रू फिर कैसे रेरा नंबर उन लोगों ने लिया वहाँ से वो हमें जानकारी नहीं है सर। रेरा को भी चूना लगाया बिल्डर? हाँ सर, एकदम लगाया गया है। हमें तो ताज्जुब लग रहा है कि सर जब ज़मीन मालिक के बिना हस्ताक्षर के रेरा नंबर मिल गया, तो सर ये तो मतलब बहुत बड़ा फर्जीगिरी है सर। हम तो मानते हैं कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, इससे तो सर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मेरे समझ से।
सर हम तो यही उम्मीद करेंगे सर कि इनका रेरा नंबर तो कैंसिलेशन किया जाए, और दूसरा है कि इनका जो भी प्रोजेक्ट का है वो कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए इनका। जैसा कि आपने बोला कि लैंड लॉर्ड का सिग्नेचर होता है तभी रेरा अप्रूव करती है यानी रजिस्ट्रेशन देती है, वो नहीं हुआ। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लैंड ओनर के हस्ताक्षर के बाद ही होती है, लेकिन अभी तक लैंड ओनर का वैसा कोई सिग्नेचर नहीं हुआ था, और रेरा नंबर इन लोगों ने कैसे प्राप्त किया मुझे नहीं पता है। और जो प्रोजेक्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट का नाम है मैत्री वास्तु निर्माण LLP। यानी मैत्री वास्तु निर्माण LLP जो है उसके के लिए आपने ज़मीन दिया कन्वर्जन पे? जी, कन्वर्जन पे मैंने बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए अपना ज़मीन मैत्री वास्तु निर्माण LLP को दिया था उन्हें बनाने के लिए। उसी पे फर्जीवाड़ा वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेरा में सबमिट कर करके उन लोगों ने कैसे रेरा नंबर लिया ये हमको जानकारी नहीं है। फ्लैट शेयरिंग का भी अभी कोई मैटर नहीं हुआ है कि फ्लैट शेयरिंग हो गया है, लैंड ओनर और बिल्डर के बीच में फ्लैट शेयरिंग भी होता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। उसके बावजूद भी इन लोग कल भूमि पूजन करने वाले हैं, 10/6/2022 को ये लोग भूमि पूजन करने वाले हैं, और उस पर आमंत्रित भी किए हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किए हैं, ताकि फ्लैट बुकिंग वगैरह का भी ये लोग आयोजन करने वाले हैं कल के ही दौरान। ये सब बातें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3,70,00,000 22 लाख रुपया, 22 से 23 लाख रुपया आपको मिला, लेकिन मामला अटकता है बाकी बकाया रुपया, मानते हैं तो क्या धमकी दी जाती है? सर धमकी तो दी जाती है कि अब सर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार से तो सर मुझे यही लगता है कि शायद मुझे टॉर्चर किया जाए, या मुझे फ़ोन करवाया जाए, या फिर फ़ोन किया जाए, किसी माध्यम से भी मुझे प्रेशर दिया जा सकता है, ये मैं कहना चाहूँगा। ये हम भी कहना चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार अगर मीडिया के शरण में आते हैं तो सच्चाई दिखाना हमारा काम है, और संज्ञान लेना पटना पुलिस का काम है। रेरा एथोराइज क्यों किया है ये भी सबसे बड़ा सवाल रेरा पे खड़ा होता है, लेकिन जो पीड़ित हैं उनका साफ कहना है कि जो वीडियो मैं बनवा रहा हूँ, जो मीडिया में अपना बयान दे रहा हूँ, जो दर्द दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उससे भी मुझे धमकी दी जा सकती है, फ़ोन कॉल आ सकती है। लेकिन चौथा स्तंभ है सच्चाई हम दिखाएंगे और उजागर भी करेंगे कि बिल्डर का नापाक हरकत, ये भी हम दिखाएंगे कि पैसे अपने मांगते हैं लेकिन पैसे नहीं दिए, धमकी दी जाती है कि पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो, क्या ये भी धमकी दी गई है? अभी तो फिलहाल वैसी धमकी नहीं आई है हमारे पास, लेकिन अब इस वीडियो जाने के बाद हो सके तो वैसे फ़ोन कॉल्स आएँ, या अनोन नंबर से कॉल किया जाए, या फिर मुझे किसी भी प्रकार से या किसी भी तरह से धमकी वगैरह या कुछ भी मिल सकती है। पैसा मांगते हैं तो क्या बोला जाता? पैसा मांगते थे तो हम लोगों को यही बोला जाता, आश्वासन दिया जाता था कि ठीक है पैसा मिल जाएगा, अभी रेरा में कागज़ गया हुआ है, फिर बोलते थे नगर परिषद में कागज़ गया हुआ है कि उधर से क्लियर हो जाएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। और अब बोलते हैं तो फिर कोई रिस्पांस नहीं देते हैं हम लोग को वैसा, और वैसा ट्रीट भी नहीं करते हैं कि हम लोग ज़मीन मालिक हैं कि नहीं है, कुछ वैसा फील नहीं होता है हम लोगों को। प्रॉपर्टी को लेकर कहाँ कहाँ आपने? हम अपने प्रॉपर्टी को लेकर गए हैं, नगर परिषद में गए हैं हम, और अभी सिविल कोर्ट में भी गए हैं, पटना सिविल कोर्ट में भी गए हुए हैं, और आर्बिट्रेशन के लिए हम लोगों ने केस भी फाइल किया हुआ है। हम लोगों ने 4-5 जगह गए हुए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, उसके बावजूद भी ये इन लोग अभी तक अपना काम कर रहे हैं, और भूमि पूजन करने के लिए कल का तैयारी भी कर रहे हैं कंटिन्यू, और कल भूमि पूजन करेंगे भी। हम चाहते हैं कि ये भूमि पूजन जो फिलहाल के लिए जो है, जब तक केस वगैरह जो भी आया है, मामला जो चल रहा है रेरा से, जो केस नंबर आया है रेरा का, उसको कम से कम रोक दिया जाए भूमि पूजन को, उसके बाद का मैटर बाद में किया जाए। रेरा रोक लगाई है? नहीं, अभी तक तो रेरा रोक नहीं लगाई है भूमि पूजन के लिए, और वो लोग तो भूमि पूजन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, धूमधाम से कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद यही करता हूं कि कल जो 10/6/2022 को जो भूमि पूजन होने वाली है मैत्री वास्तु निर्माण LLP प्रोजेक्ट का, मैत्री ग्रुप से जो है, उसे भूमि पूजन रोकने के लिए प्रशासन के थ्रू थोड़ा सा बोला जाए, यहाँ पर वहाँ पर रोका जाए। हम यही चाहेंगे कि वो भूमि पूजन नहीं हो, ताकि कोई भी जो भी फ्रॉडगिरी जो बिल्डर करते हैं उसके थ्रू कोई भी सच्चा जो फ्लैट बुकिंग करने वाले जो रहते हैं वो बहुत मुश्किल से फ्लैट बुकिंग करते हैं, या बहुत मुश्किल से अपना पैसा इकट्ठा कर करके
फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं और इस तरह का फर्जीवाड़ा या इस तरह की गलती अगर होती है तो उनका सारा जीवन का जमा पूंजी जो भी होता है वो सब फंसने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि उस भूमि पूजन को फिलहाल रोका जाए और जो भी जहाँ तक कि जो भी प्रॉब्लम जो चल रही है रेरा वगैरह से या जो भी है उसका क्लियरेशन होने के बाद ही जो भी बिल्डर हैं अपना जो काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए भूमि पूजन स्थगित किया जाए। ये गोला रोड संत कैरेंस के नज़दीक एक चंद्रशेखर नगर है, एक जगह कॉलोनी टाइप का है, वहीं पे वो ज़मीन है, 96 डिसमिल का प्लॉट है। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो बिल्डर जो हैं जो हम अपनी ज़मीन जो इनको बहुमंजिला इमारत के लिए दिए हुए थे हम इनको देना नहीं चाहते हैं। हम इनसे चाहते हैं कि मेरा ज़मीन ये छोड़ दें, जो भी पैसा का लेन देन जो भी हुआ है हम इनको वापस कर दें और ये ज़मीन जो मेरा है हमको वापस कर दें। हमको इन बिल्डर को नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये अभी इतना फ्रॉडगिरी कर रहे हैं या इतना पेपर वगैरह में दिस दैट कर रहे हैं ये लोग, आगे चल करके कौन जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मेरा ज़मीन वापस कर दे, जो भी पैसा का लेन देन है जो भी है हम इनको वापस कर देंगे और हम इस बिल्डर को देना नहीं चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे आप लोग के मतलब। पटना में मैत्री वास्तु निर्माण का खुल गया पोल। आपको बता दें कि मैत्री ग्रुप का लीला पैलेस है जो कि कन्वर्जन पर बनाया जा रहा है और 3,70,00,000 का ये प्रोजेक्ट है जो कि कन्वर्जन पर लिया गया था जमीन मालिक से। अब पैसे देने के नाम पर जमीन मालिक देते हैं धमकी और कहते हैं कि जो करना है कर लो। पीड़ित परिवार रेरा से लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि पटना पुलिस के भी शरण में जाने को तैयार है और उनका साफ कहना है कि वीडियो सामने आने पे कहीं मारने की धमकी तो नहीं देंगे, फ़ोन कॉल तो नहीं आएगा, लेकिन जो बड़ा गमन किया गया है इस बिल्डर के द्वारा इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर बिहार में बात अगर कर ली जाए तो जमीन कब्जा का मामला सबसे ज़्यादा आया है। जनता दरबार का अगर बात कर ली जाए सीएम नीतीश कुमार का तो जमीनी मामला सबसे ज़्यादा सामने निकल कर आया। अब ऐसे स्थिति में पटना के प्रॉपर्टी जो जिनकी प्रॉपर्टी है अब वह 3,70,00,000 रुपए के लिए दर दर की ठोकरें खा रखी है। अपना पैसा मांगना पाप है या कन्वर्जन पे देना पाप है? हर कोई चाहते हैं बिजनेस करना लेकिन इस बिजनेस में बिल्डर का नापाक हरकत सामने आया है और वह गमन जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट रेरा में जमा करके रजिस्ट्रेशन लिए कहीं ना कहीं रेरा पे भी सवाल या निशान खड़ा होता है और जो धमकाया जा रहा है प्रॉपर्टी डीलर को उससे भी आघात पहुंचाया जा रहा है। समय रहते अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। अपने सहयोगी आनंद के साथ राजन कुमार, न्यूज़ पीआर पटना।